हिचकी आई तो फ्रेंड आप लोग देख लीजिए, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। अभी मैं सर से नहाई हूँ बाल धुल के, और शाम के 6 बज रहे हैं और अंधेरा भी हो रहा है। देखिए फ्रेंड, हेलो दोस्तों, सुबह की गुड मॉर्निंग। क्योंकि फ्रेंड मैं कल रात में देख के थे आप लोग, मैं ज़्यादा देर तक लाइव आई थी, तो मैं सुबह देर में सो के उठी हूँ। ड्रेस भी नहीं निकाली थी, ड्रेस भी नहीं चेंज की थी रात में, उसी ड्रेस में मैं सो गई रात में। फ्रेंड मैं काफ़ी लेट उठी हूँ, तो देखिए फ्रेंड मैं लेट सो के उठी हूँ, तो अब मैं चाय पी रही हूँ, समोसा खा रही हूँ, चाय पी रही हूँ। देखिए मैं काली चाय पीती हूँ फ्रेंड, बहुत अच्छी बनी है आज फ्रेंड। फ्रेंड मुझे चाय के साथ समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं चाय के साथ समोसा ही खाती हूँ, बाकी कोई नाश्ता नहीं करती हूँ। मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं, और चाय भी मुझे काली चाय पसंद है, तो मैं काली चाय ही पीती हूँ। तो फ्रेंड 35,000 प्लस सब्सक्राइबर हमारे पूरे हो चुके हैं, उसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद। क्योंकि फ्रेंड मेरे 35,000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं, और आप लोगों की कृपा से ही पूरे हुए हैं। हमारी यूट्यूब फैमिली बहुत मैं सपोर्ट दी है फ्रेंड, तो फ्रेंड आप लोग फटाफट 1,00,000 करवा दीजिए। तो फ्रेंड रात में मैं इसी ड्रेस में लाइव बैठी थी, तो ये ड्रेस हमारी यूट्यूब फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आई फ्रेंड, बहुत ज़्यादा हम कह रहे थे दीदी बहुत क्यूट लग रही है उस ड्रेस में, बहुत अच्छी लग रही है। तो ख़ास करके फ्रेंड मेरी ड्रेस के बारे में आप लोग बताइएगा कमेंट करके, मेरी ड्रेस कैसी लग रही है। और क्योंकि मैं पहनती नहीं थी, मतलब काफ़ी दिन से हमारे पास रखी। देखिए फ्रेंड आप लोग देखेंगे, 2-3 महीने पहले मैंने शूट की थी वीडियो, और उस 60 वीडियो में मैंने बनाई थी, और लॉन्ग भी बनाई थी इसी ड्रेस में, और मुझे अच्छी नहीं लगती थी तो मैंने पहनना छोड़ दिया था। तो कल मैं लाइव बैठी थी पहन करके, तो कमेंटे आ रही थी दीदी बहुत ड्रेस अच्छी लग रही है आपके, मतलब दीदी करके जो बोलना चाहता वो बोलता था फ्रेंड। तो इसीलिए मैं इसी ड्रेस में सो गई थी फ्रेंड, तो सुबह उठी हूँ चाय नाश्ता कर रही हूँ इसी ड्रेस में। तो फ्रेंड मैं लेट सो के उठी हूँ, तो देख लीजिए 11:52 हो गया है, मतलब 12 बजे मैं चाय पी रही हूँ। और फ्रेंड काफ़ी टाइम हो ही चुका है, और फ्रेंड मैं अब अपना फटाफट काम कर लेती हूँ, क्योंकि सारा काम पड़ा हुआ है। मैं लेट सो के उठी हूँ, तो सारा काम बाकी हमारा पड़ा हुआ है, अब उसे काम करूँगी फटाफट। और हाँ फ्रेंड, क्योंकि काम करने के बाद मुझे करवा चौथ भी आ रहा, तो करवा चौथ पे मुझे रील भी शूट करनी है, तो आप लोग हमारे वीडियो पे बने रहिए, आप लोगों को वीडियो में दिखाऊँगी। तो फ्रेंड अपने बेटे के साथ मैंने मौज मस्ती बहुत कर ली है, और फ्रेंड मैं स्नान करना है अभी, स्नान करूँगी, और अभी खाना बनाना है सारा ही, बाकी पड़ा हुआ है काम, तो मैं अभी स्नान करूँगी फ्रेंड। तो आप हमारे वीडियो पर बने रहिए। तो फ्रेंड आप लोग देख लीजिए, मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, अभी मैं सर से नहाई हूँ बाल धुल के, और शाम के 6 बज रहे हैं और अंधेरा भी हो रहा है। देखिए फ्रेंड अंधेरा हो रहा है, सूर्यास्त भी हो रहे हैं, अभी फुल नहीं अस्त है, अस्त हो रहे हैं फ्रेंड। और मैं आलू टमाटर गोभी की सब्ज़ी बनाने जा रही हूँ फ्रेंड, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है आलू गोभी और टमाटर की सब्ज़ी, आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी फ्रेंड बहुत अच्छी लगती है। और फ्रेंड अब मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊंगी, इसी की या सब्ज़ी में खाऊंगी, अभी बना बना के खा के। तो देखते हैं फ्रेंड, अभी मैं सब्ज़ी काट लेती हूँ।
क्योंकि गला खस रहा है जो खान भी है फ्रेंड, इसलिए। और मुझे खास करके ये जो डंठल होता है ये हमें पसंद है, गोभी का डंठल मुझे सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो मैं इसे फेंकती नहीं फ्रेंड, इसे मैं काट लेती हूँ और इसी की सब्जी आज मैं बनाऊंगी। क्योंकि कड़ा होता है ये, बहुत भूत ले रहा है। बहुत भूत ले रहा है काटने में, देखिए फ्रेंड ये वाला। और ये फूल काट लेती हूँ फटाफट, बड़ा बड़ा काटती हूँ। टमाटर तो धुल के काटूंगी, टमाटर फ्रिज में रखे थे ठंडे हो गए हैं फ्रेंड, मैं फटाफट छील लेती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड देखिए, मैं आलू टमाटर गोभी की सब्जी काट ली हूँ और कट गई है मेरी, अब इसे मैं धो लूँगी। और लहसुन प्याज भी छील रही हूँ, लहसुन प्याज रहा, अब इसे भी काट करके इसे पीस करके मैं सब्जी धुल के छौंक दूँगी जा करके। तो फ्रेंड जो ये गोभी का फूल है देख रहे हैं आप, ये इसको मैं धो करके और इसको कढ़ाई में पहले मैं तल लेती हूँ। जब तल लेती हूँ तब बहुत टेस्टी बनता है फ्रेंड, इसे मैं तल के बनाऊँगी। जब तल लेती हूँ तो ये सब्जी के अंदर डालो तो फूटता नहीं, वैसे निकल आता है, वैसे फूट जाता है, निकलता नहीं सही से है, ऐसे फूटेगा नहीं, मतलब पक जाएगा अच्छे से तेल में तब फूटता नहीं है फ्रेंड। और फ्रेंड मुझे लाइव भी बैठना है और फटाफट मैं बना लेती हूँ खाना और खा पी करके रेडी होकर के तो फ्रेंड मैं लाइव भी बैठूँगी। और फ्रेंड आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। और तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।